सबसे पहले तो झूठ आप खुद बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। आराम से डिबेट हो रहा है, यहाँ झगड़ा नहीं होने देंगे। लगता है कि अब थोड़ा गोड्डा की जो जनता है वो राजनीति की तपिस में बढ़ती जा रही है। तो आपके सांसद तो ऐसे भी बाहरी हैं, 1932 का वो विरोध करते हैं, आज आम झारखंडी के लिए तो एक अभिशाप बन के रह गए। 1932 का सबसे पहले बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो डोमिसाइल लाए तो यही लोग विरोध करने वाला था सबसे पहले। और अडानी के आने से तो फायदा ही हुआ है। देखिए पहले यहाँ का आदमी बाहर जाता था कमाने के लिए, अभी बाहर का आदमी गोड्डा आ रहा है कमाने के लिए। डेवलप आज क्या गोड्डा को मिल रहा है अडानी से? ना हमारे गोड्डा के नौजवान नौकरी में है, आज गोड्डा को गर्मी धूल और यहाँ बिजली जला रहा है। आज कोई भी गांव कच्चा है क्या? सब जगह पक्की सड़क है। इस गोड्डा जिला में 15,000 पद खाली है, क्यों नहीं आज तक बहाली हुआ? न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। देश में छठे चरण का जो मतदान है वह पूर्ण हो चुका है, अब सातवें चरण के मतदान 1 जून को होना है। वहीं बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है जिसमें गोड्डा, राजमहल और दुमका शामिल है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा के कारगिल चौक में और यहां जानेंगे जनता से कि इस बार जनता किसकी सरकार लाना चाह रही है, क्योंकि चुनाव हो और चुनाव में जनता ही मालिक होती है। तो सीधे जुड़ेंगे जनता से और जानेंगे कि उनकी क्या क्या राय हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और प्रत्याशी जो हैं उनसे लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं। तो सर, लोकसभा का चुनाव है जी। अभी 1 तारीख को मतदान होना है तो आप किसे समर्थन कर रहे हैं, किसके समर्थन? हम तो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, निशिकांत दुबे जी को और मोदी जी को। कारण क्या है? कारण क्या है? निशिकांत दुबे जी ने इतना काम किया है, इतना विकास किया हुआ है कि गोड्डा के इतिहास में आज तक इतना विकास नहीं हुआ था। क्या क्या विकास किए हैं गोड्डा? क्या नहीं किया? 6 लेन रोड बन रहा है, एम्स आया गोड्डा में, हवाई अड्डा आया गोड्डा में, केंद्रीय विद्यालय आया गोड्डा में, प्लास्टिक पार्क आया, अडानी उद्योग आया, सीमेंट का उद्योग लगने वाला है। अब क्या चाहिए सांसद के लिए? पूरा दुनिया सांसद यहीं उठा के ला देंगे। विपक्ष जो है अडानी जो प्लांट लगा है उस पर विरोध जता रही है कि अडानी के प्लांट लगने से गोड्डा में है, गोड्डा लोकसभा में जो है गर्मी बढ़ गई है, क्या ये सही बात है? गर्मी तो हर जगह बढ़ी हुई है, ये तो वातावरण का ऐसा है, वृक्ष कट रहा है, सब जगह गाड़ियां चलती है, केवल यहीं जो जितने दुनिया विश्व भारत में कोई भी देश जो है वो कैसे तरक्की करेगा जब तक उद्योग नहीं लगेगा, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा कैसे होगा विकास देश का? क्या सही बता रहे हैं? एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। और ये तापमान बढ़ने का मतलब ये है कि थोड़े कि गोड्डा में अडानी बैठ गया था आज ही, तब फिर ठंडा क्यों इतना पड़ता है? ठंडा भी नहीं पड़ना चाहिए जब गर्मी उसके चलते बढ़ रही है, तो तब फिर ठंडा भी यहाँ पर कम ज़्यादा पड़ता है। और अडानी के आने से तो फायदा ही हुआ है। देखिए पहले यहाँ का आदमी बाहर जाता था कमाने के लिए, अभी बाहर का आदमी गोड्डा आ रहा है कमाने के लिए। पहले यही चौड़ा सड़क देखिए, पहले टूटी फूटी सड़क थी, यहाँ पे हाट लगती थी, जाम का जैसा रहता था। यही कारगिल चौक गनगना रहा है, अभी रात में 12 बजे तक आवागमन रहता है, पहले 7 बजे के बाद एक मच्छर नहीं दिखाई देता था। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद तबरेज आलम। बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार में गोड्डा में विकास हुआ है, आपको क्या लगता है? ये सब सारी विकास हवा ही है। विकास के नाम पर अगर बोलेगा कि रेल आ गया, एम्स आ गया, एयरपोर्ट आ गया, तो ये तो आना ही था। अब जितने सांसद हर जगह हैं, सब जगह एम्स और एयरपोर्ट खुलना जरूरी नहीं था, वो तो बाबा धाम लेके वहाँ पर एम्स और एयरपोर्ट की स्थापना हुई। ये तो कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, उनको वही समझ में आ रहा, तो वो बोल रहे हैं 15 बरस पहले भी तो सांसद था, 70-75 बरस देश को आज़ाद हुए हो गया, अब 15 बरस से सांसद जी हैं निशिकांत जी हैं, इसके पहले कोई सांसद क्यों नहीं काम करवा दिया, कहाँ ऐसा कोई करवा पाया? आप क्या बोल, मतलब आपकी क्या राय है, जो सही बता रहे हैं कि नहीं भाजपा में गोड्डा की सरकार? अगर एयरपोर्ट ले आना विकास का पैमाना है, और सवाल है कि एयरपोर्ट जाया देवघर में, एक वहाँ तीर्थस्थल है, इंटरनेशनल तीर्थस्थल है, वहाँ एम्स खुला, जहाँ एम्स खुलेगा वहाँ एयरपोर्ट तो लाना ही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ज़रूरत है जिसके पूरा किया। और रही सवाल विकास की, जो विकास की बात करते हैं निशिकांत दुबे जी, सबसे पहले उन्होंने ये हिसाब दे आम जनता को कि 15 साल उन्होंने सांसद रहे और विकास निधि का पैसा कहाँ खर्च किए
ये जनता के सामने उन्हें लाना चाहिए कि सांसद निधि का पैसा कहाँ खर्च हुआ। 50 करोड़ वापस चले गया। क्या बोल रहे? हम कह रहे हैं कि सांसद निधि कहाँ खर्च किया उन वो हिसाब उन्हें जनता के सामने लाना चाहिए। और 15 साल में आज हमको लगता है कि गोड्डा, हमको लगता है 15 बार आए होंगे और यहाँ तो रात भी नहीं कभी बिताते हैं। और आम जनता की जो दूर, आप और हम जो हैं उनसे फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते, अगर कार्यकर्ता की ज़रूरत हुई तो वो बात भी नहीं करते हैं। इसलिए हमें ऐसा संसद नहीं चाहिए। हम बदलाव चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीते और कांग्रेस की सरकार बने। आपने तो कहा कि गोड्डा में निशिकांत दुबे ने विकास किया, लेकिन इनका कहना है कि निशिकांत दुबे अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तो आप क्या करें? उनको शायद हुआ होगा, लेकिन हम लोग तो देखेंगे फ़ोन उठाते हैं। और रहा सांसद निधि की बात, तो 15 करोड़ को बचाते कि 150 लाख करोड़ का काम चल रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। पहले 150 लाख करोड़ को देखेगा, ये 15 करोड़ नाली और सड़क बनाने के फेर में रहेगा, तो इतना बड़ा बड़ा काम काम ही नहीं हो पाता। सीमेंट प्लांट है, एयरपोर्ट है, फिर आपको एम्स आया, ये कम है काम है क्या? ये सब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, चाहे पहले भाई टूटी फूटी सड़कें, सिंगल सड़क थी, आज 150 लाख करोड़ का काम चल रहा है, 15 करोड़ के पीछे लगे हुए हैं। और वो भी सच्चाई नहीं है, कोई जानता नहीं है कि 15 करोड़ का खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ। दे दीजिए ना कहाँ खर्च किए, अगर आपको जानकारी है। लगता है कि अब थोड़ा गोड्डा की जो जनता है वो राजनीति की तपिस में बढ़ती जा रही है। सांसद निधि की ये बात कीजिए, कहाँ खर्चा? आज किसी भी गाँव में एक नाली दिखा दीजिए आप, एक PCC सड़क दिखा दीजिए सांसद निधि से, कहीं कुछ नहीं है। वो कहाँ खर्च हुआ ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जनता को बताना चाहिए। बताइए, सारी जगह खर्च हुआ है, नहीं तो गांव-गांव में सड़क कैसे बन गया? चलिए कहीं एक फॉर एग्जांपल दीजिए, चल सब जगह सड़क दिखाएंगे, चलिए मेरे साथ दिखाएंगे। पहले से बना हुआ है, आज BJP ने वही किया जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, आज उसे BJP सरकार बेच रही हो, रेल हो, सेल हो, भेल हो। आज झारखंड में भाजपा की जब से सरकार बनी है तब से BJP के रीजन में ही समुचा डेवलप हुआ है। इसके पहले तो सरकार ही नहीं थी, जो भी काम हुआ तो BJP में ही हुआ। तो BJP में नहीं हुआ तो फिर विकास कैसे हुआ? आज कोई भी गांव कच्चा है क्या? सब जगह पक्की सड़क है, सब जगह जो है पक्की सड़क है, इस पर क्या कहेंगे? पक्की सड़क है तो वो नेता हमारे प्रदीप यादव जो अभी कांग्रेस में, उन्होंने ही बनवाया है। आपके निशिकांत दुबे ने नहीं बनवाया है कोई सड़क या कोई नाला बनवाया है आज तक? एक को बोल लेने दीजिए, उन्होंने नहीं बनवाया है ना किसी से। रहा सवाल आप अडानी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, डेवलप आज क्या गोड्डा को मिल रहा है अडानी से? ना हमारे गोड्डा के नौजवान नौकरी में है, आज गोड्डा को गर्मी धूल और यहाँ बिजली जला रहा है बांग्लादेश। क्या कहेंगे? होना चाहिए ना, आज हमें 25% राज्य सरकार की नाकामी है। 400 मेगावाट राज्य सरकार को लेना है, वो क्यों नहीं राज्य सरकार ली उस 400 मेगावाट को? क्यों राज्य सरकार की नाकामी है ये, क्यों नहीं ले रही है राज्य सरकार? आपने संसद में कभी संसद को कहा कि ये संसद भवन में ये आवाज उठाना चाहिए? उठ चुका है, विधानसभा में उठा है। आप तो, आपके सांसद तो ऐसे भी बाहरी हैं, 1932 का वो विरोध करते हैं, आज आम झारखंडी के लिए तो एक अभिशाप बन के रह गए वो। ना सांसद का कोई भी डेवलपमेंट की बात गोड्डा का अगर संसद में उठाया हो तो आप बताइए एक दो भी। 1932 का कोई विरोध नहीं है, 1932 का सबसे पहले बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो डोमिसाइल लाए तो यही लोग विरोध करने वाला था सबसे पहले, कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, यही लोग पहले सबसे पहले विरोध किया था। आज डोमिसाइल की जहां तक बात करते हैं तो आपके BJP ही सरकार में BJP के ही मंत्री ने विरोध किया, जिस कारण से बाबूलाल की सरकार गिरी थी, शायद आपको बढ़िया से याद नहीं है। BJP की सरकार में BJP की मंत्री ने विरोध किया था क्या? जी नहीं। और यदि बाबूलाल जी की सरकार गिरी थी उसमें मंत्री में प्रदीप यादव भी तो शामिल थे, उसमें प्रदीप यादव भी तो उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। उन्होंने कौन कौन विरोध किया उनका नाम बताइए ना। आपके BJP के ही मंत्री ने विरोध किया था, उनका नाम आपको नहीं पता है? जिस कारण सर समरेश सिंह वगैरह, क्या क्या और तुम्हें नाम अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, जिनके कारण सरकार गिरी थी। इंदर सिंह नामधारी है जिनके कारण सरकार गिरी थी। आप बताइए लोकसभा चुनाव में आपकी क्या क्या मुद्दे हैं, किस प्रत्याशी पर, वहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर जवाब दे। अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, मैं अडानी की बात कर रहा था। आज अडानी से क्या फायदा हुआ गोड्डा को? कुछ नहीं, ना यहाँ नौजवानों को नौकरी मिली, जबकि राज्य सरकार ने प्रयास भी किया कि हम यहाँ लोकल 85% को नौकरी देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और हमारे सांसद महोदय, इन्होंने आज तक कोई पहल नहीं किया। आप आज जाइए अडानी, 95% लोग बाहरी हैं,
बिहार के, यूपी के, बंगाल के, राजस्थान के यहाँ लोकल एम्प्लॉई नहीं, अगर कोई है तो केवल झाड़ू देने वाला है, केवल झाड़ू देने वाला वहाँ पे एम्प्लॉई है, सब बाहरी हैं, सब बाहरी हैं। और आज गोड्डा के क्या बोलते हैं किसानों के जमीन उन्होंने कौड़ी के भाव में लेने का प्रयास किया तो हमारे प्रदीप यादव थे जिन्होंने उसका जमीन का उचित मुआवजा दिलाया। जिस प्रकार भाजपा सरकार रघुवर दास ने उन्हें कौड़ी के भाव में लूट कर अडानी को जमीन देना चाह रही थी। देखिए कौड़ी के भाव की कोई बात नहीं है, और ये बिना कानून बने सेंट्रल में जो नया कानून आया था भूमि संरक्षण का, कानून किसके उसके लिए बनाया गया, कानून बनाया गया था स्पेशल अडानी के लिए, उसके तहत भुगतान किया गया, जमीन का उसके तहत भुगतान किया गया, ये सब मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत नहीं, ये कानून स्पेशल बनाया गया अडानी के लिए कि इतना एक 10 रुपए का चीज उन्हें 2 रुपए में दिला दिया जाए। यही आज गोड्डा के लोग धूल खा रहे हैं, धुआं खा रहे हैं और तापमान बढ़ गया, ये अडानी का ही ये देखिए मैं बताता हूं आपको, आप लोग बोल रहे हैं मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं सामान्य नागरिक हूं। आप बोले नौकरी नहीं दिया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, इतने सड़कें बन रही है, इसमें लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? मैं झारखंड सब नहीं सर, झारखंड में भी मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं आप ही के लीडर लोग जमीन के बदले नौकरी देते हैं, ठीक है ना, जमीन के बदले लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ये भी स्कैंडल फंसा हुआ है, ठीक है। आप ये देखिए कि रोजगार के साधन खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। मैं तो ही जानता हूँ कि मैं अगर जब रोड पर बच्चा चलता है तो बच्चे को ये होना चाहिए कि उसका बाप कैसा हो, कि उसको कोई आंख ना दिखावे, अगर कोई आंख दिखाता है तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या था कि हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं जाते थे बाहर तो पिछली सम्मेलन पिछली पंक्ति में खड़े होते थे, आज हमारे मोदी जी जा रहे हैं बाहर तो अगली पंक्ति में खड़े होते हैं। मुझे ऐसा गार्जियन चाहिए जो कि हमें कोई आंख विदेशी ताकत आंख दिखावे तो उसकी आंखें निकाल ले, ये मोदी जी ने किया है, ये मोदी जी ने नहीं है, नहीं 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 हजारों अभी 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 बता रहा हूँ आपको, यही बता रहा हूँ। लालू जी की बात आप कर रहे हैं, लालू जी केवल अपने कुनबे के लिए जीते हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ के स्टेट में काम कर रहा हूँ। लालू जी के बारे में लोग बोलते हैं कि ये मुसलमानों का रहनुमा है, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, अगर लालू जी वाकई मुसलमानों के रहनुमा हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया, वो हमारे बिहार के दावण नेता थे, क्यों अपने बेटा को नौमा फेल को बना दिया उसने डिप्टी सीएम, क्यों ऐसा किया? एक रोहिणी आचार्य को भी अगर सांसद का टिकट मिला है तो किडनी देकर मिला है, बिना पहले क्यों नहीं उन्होंने दिया था? सारी बात सौदेबाजी हो रही है सर, सारी बातें में सौदेबाजी हो रही है। रोहिणी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय भी आप देखिए, मैं मुझे पूरा याद है 96 की घटना बता रहा हूँ मैं, उस समय राजद गवर्नमेंट था सर, मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरी शादी 96 में हुई थी, मैं मुजफ्फरपुर पोस्टेड था, मैं नया हीरो होंडा बाइक से जा रहा था, मेरे पीछे गुंडे लगे थे बाइक छीनने के लिए, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे अपने आप मुझे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरे पैंट पेशाब हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं डर गया था, और मैं जब एक थाने में गाड़ी लगाया तो बोला गया कि नहीं आपने झूठा आरोप लगाया है, और फिर बाद में हमारे फैमिली के लोग आज आज बाहर में है, विदेश में है, विदेश सबसे पहले बताइए, मैं इनसे जानना चाहता हूँ किस विभाग में नौकरी करते हैं आप, किस विभाग में नौकरी करते हैं इनका सवाल है। फार्मा इंडस्ट्री में, अच्छा बताइए, यहाँ पर मैं बिहार से हूँ, आप अभी बोलिए, आप खुद अपने मुँह से बोले, एक मिनट झारखंड में आपने एक झारखंडी का नौकरी का हक मारा है, मैं बिहार से हूँ और अभी कहते हैं कि मैं देवघर का वोटर हूँ, सबसे पहले तो झूठ आप खुद बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, आराम से डिबेट हो रहा है, यहाँ झगड़ा नहीं होने देंगे, अभी जो उन्होंने कहा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सब लोगों ने सुना, और फिर अभी कहते हैं कि मैं देवघर का वोटर हूँ,
तो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से रहते हैं, फिर देवघर में वोटर कहाँ से बता रहे हैं आप? वो फ्रॉड है। अच्छा अच्छा, झूठ का कुलंदा है। मुद्दे को छोड़ देते हैं, ये तो फ्रॉड है। सबसे बड़ी झूठ का कुलंदा है। सबसे बड़ी बात, एक तो किसी पे आरोप लगाना, अगर मेरी तबीयत खराब है, अगर मेरी तबीयत खराब है, मेरी किडनी खराब हो जाए, अगर मेरी बेटी मेरी किडनी दे दे, तो क्या वो सौदेबाजी कहेंगे आप? आम पब्लिक से पूछता हूँ, क्या बोल रहे हैं? हेलो, अगर मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाए और मेरी जान बचाने के लिए मेरी बेटी अगर किडनी दे दी, तो क्या वो सौदेबाजी कहेंगे उसे आप? नहीं 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 नहीं। आप युवा हैं, आप आगे आइए। नहीं, आप युवा हैं, आपके आप अगर चाहें तो किसी की भी सरकार चाहे तो किसी की बना सकते। ये बीजेपी झूठ की पुलिंदा है और हम लोग बदलेंगे और प्रदीप यादव यहां से जीतेंगे और इनको वापस गंगा पार भेजेंगे, दैट्स ऑल। आप युवा हैं, भेज रहे हैं चौथी बार भेजने में प्रयास। आप युवा हैं, चुनाव में आपकी मुद्दा क्या क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि प्रत्याशी जो है आपके लिए क्या करे? बेरोजगारी को नौकरी का मिले और बदलाव हो जाए, यही चाहते हैं सर। कोई काम नहीं हुआ बीजेपी राज में, फालतू का डबला। निशिकांत दुबे जी बोलते हैं कि गोड्डा को रेल लाइन से जोड़ दिए, एयरपोर्ट लोकसभा में कर दिए, क्या कहेंगे इसमें विकास है? एयरपोर्ट तो DRDO का है, वो सुन ही रहे, और रेलवे जो है पहले से सैंक्शन था, तो सरकार बदले तो पैसा तो मिलता है, बनता है, बनते रहेगा। रेलवे का काम रुकता नहीं है, कोई सरकार आए जाए, रेलवे का काम होना है होना है, इसमें कोई सरकार का श्रेय नहीं है, कोई सांसद श्रेय नहीं ले सकता। रेलवे मिनिस्टर अपना प्रोजेक्ट पूरा बढ़ाता है, अपना इंडिया में सब जगह समय समय पे अपना विकास करता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट में काम करने का तरीका, कोरोना का जब काल था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन दवाई राशन उपलब्ध कराया और इस राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में दो दो गाड़ी चचरी भेज दिया, लाश कफन भेज दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने अनाज दिया, ऑक्सीजन दिया, दवाई दिया और वैक्सीन उपलब्ध कराया, और राज्य सरकार ने क्या किया, दो दो ट्रक चचरी भेज दिया हर ब्लॉक में सबको, क्या भेज दिया, लाश ढोने के लिए चतरी भेज दिया, हाँ, और कफन भेज दिया, दो दो। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही है। उसमें कोरोना का इस गोड्डा जिला में झारखंड सरकार बताए जो बोला था 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इस गोड्डा जिला में 15,000 पद खाली है, क्यों नहीं आज तक बहाली हुआ? इस पूरे झारखंड में 24 जिला है, आप हमको बताइए कितना पद खाली है, आज तक क्यों नहीं बहाली हुआ? ये लोग जानते हैं, मंत्रिमंडल के लोग कमीशन खोरी रखते हैं और 18,000 रुपया पेमेंट करवाते हैं, अब मंत्री जानते हैं उसका पेमेंट कितना, अनबन पर जो रखा गया है 10,000 रुपया मिलता है, 10,000 रुपया में काम, मात्र 10,000 रुपया में, और जानते हैं 8,000 रुपया वो जो एजेंसी है, अब मंत्रियों को पैसा पहुंचता है, दीवाल में नोनी लगता है, दिमक लगता है तो छुइएगा ना भरभरा के गिरता है, इसी तरह मंत्री के यहाँ जब ईडी छूता है ना भरभरा के नोट गिरता है एकदम 35 करोड़, 400 करोड़। अभी हम गुड्डा के और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या राय है। बाबा जी क्या है इस बार छीनिएगा, पहला बात ये समझ लीजिए, और एक ही आदमी को माइक नहीं देना है, ठीक है? आप पत्रकार हैं, यहाँ सभी पब्लिक है, सबको माइकिंग करना है आपको, तो ये बात रहा, हम लोग सीधा ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, यहाँ का कपड़ा हमारा 15 साल हो गया, इसको इस बार बदल देना है, नया कपड़ा सिलाएंगे हम लोग, नया कपड़ा सिलवाइए जी। क्यों, कारण क्या है? कारण क्या है, बहुत कारण है, 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं, चेहरा हम लोग उससे भेद दर्शन, लेकिन 15 साल में आपकी जो ये टी शर्ट है काफी जच रही है, वही तो बात, कहाँ जच रहा है ना, नहीं जच रहा है, पच नहीं रहा, जचना तो छोड़िए, पच नहीं रहा, इतना अनपच हो चुका है, पच नहीं रहा। क्या सही कह रहे हैं? मैं सही बोला, गलत तो नहीं बोल रहा, आप तो युवा है, आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से, प्रत्याशी से, कि अगर सरकार बने? हम लोग रोड सड़क कुछ नहीं मिलता है, खाली बोलने का बोल देता है, करने का जो काम है वो करना तो चाहिए, वो तो नहीं करता है, बोलने का जब चुनाव आता तो बोलता है करेंगे, उसके बाद तो फिर बोलता है नहीं करेंगे, उसके बाद जाइए उसका गोड़ पकड़िए, कहना बात तो सही है, गलत नहीं बोल रहा है, यही बात है, सही बात है, गलत नहीं बोल रहा है, वही बात, इस बार हम लोग कपड़ा बदलेंगे, बहुत पुराना, हाँ कपड़ा बदलना है। बाबा आप क्या मान रहे हैं, कपड़ा बदलना है क्या आपको? हम सब खुश हैं, जैसा कि आपने देखा कि कई लोगों की जो है अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी जो अलग अलग तकलीफें हैं, फिलहाल जो है हम संथाल परगना में सभी
बूथों पर जाएंगे, सभी जिलों पर जाएंगे और जिनकी समस्याएं हैं वो आप तक प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल अगर आपकी फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ आदित्य, द न्यूज़ पोस्ट।